ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। सॉरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 29वां श्लोक और 29वां चैप्टर और 8वां श्लोक। आपको हमें याद है कि ये प्राचीन बरहिषत को नारद मुनि रीकैप करा रहे हैं कि अभी तक मैंने जो तुम्हें कहानी सुनाई थी उसका मतलब ये है। जैसे कई बार हम अध्यापक गुरु कोई चैप्टर पढ़ाते हैं फिर उसके मर्म को बताते हैं, इससे हमने क्या सीखा, मॉरल वैल्यूज क्या थी, इसमें ये का मतलब ये था, ये का मतलब ये था, इससे हम ये सीखते हैं। रिविज़न समरी मॉरल वैल्यू है ना, जिस्ट सार, ये सब इस चैप्टर के अंदर जो भी पिछले कई सारे चैप्टरों में हमने पढ़ा नारद मुनि प्राचीन बरहिषत को बता रहे हैं ताकि अगर कहानी के माध्यम से कोई चीज़ हम अपने ऊपर नहीं ले पाए तो अब अपने ऊपर ले लें। तो 8वें श्लोक में नारद मुनि बताते हैं कि आंखें नथुने और कान ये द्वारों की जोड़ियां एक स्थान पर स्थित हैं। तो ये शरीर है इसके नौ द्वार हैं। इसमें बताया था कि कैसे पुरंजन एक ऐसे सिटी के अंदर घुसा जिस सिटी के अंदर नौ द्वार थे और वास्तव में वो सिटी कौन सी है, वो सिटी है ये मनुष्य शरीर जिसके अंदर ये द्वार है और इसलिए मल्टीपल द्वारों वाला शरीर सिटी बड़ी अच्छी लगती है ना, सिटी ऑफ गेट्स। पहले बहुत गेट बनाए जाते थे बढ़िया सुंदर द्वार, ऐसा कस्टम था, उसकी सिटी की ऑपुलेंस पता चलती थी। अब इस वाली सिटी जो है शरीर के अंदर भी नौ द्वार हैं और हमने सुना था कि इन द्वारों को शुद्ध रखना चाहिए क्योंकि आने और जाने का स्थान है ना, आने के जाने का स्थान कितना शुद्ध होना चाहिए। वास्तव में किसी के घर में घुसो अगर उसके गेट पे कूड़े का ढेर लगाए तो बड़ा गंदा एक्सपीरियंस है, मन नहीं करता उस घर में जाने का। आदमी देखता है इस वाले दरवाजे पे तो कूड़े का ढेर है, दूसरे वाले से जाता हूँ वहाँ भी कूड़े का ढेर है, चारों तरफ कूड़े का ढेर है। एंट्रेंस पे लोग एंट्रेंस को कितना सजाते हैं, लोग एंट्रेंस में भगवान की फोटोएं रखते हैं, लोग एंट्रेंस को साफ सुथरा पूरे घर में सबसे बढ़िया दरवाजे एंट्रेंस पे लगाते हैं। उसी तरह से शरीर में भी ये एंट्रेंस हैं, इनको बड़ा ही स्वच्छ रखना आवश्यक है। आँखें नथुने कान, आप जानते हैं ये कान शुद्ध होंगे तभी इन कानों से भगवान का नाम जाएगा। इन कानों में क्या अंदर जाना चाहिए, इन कानों से गंदगी अगर चली गई, ये गेट जो है ना, ये गेट एक प्रकार का इनपुट भी है, इनपुट एरिया, जहाँ से कुछ अगर गंदा चला गया तो या निकला तो सब खराब। जैसा हमने डिस्कस किया इट शुड बी क्लीन। क्लीन का मतलब केवल शारीरिक क्लीननेस से नहीं है, मानसिक रूप से कैसे हम सुनते हैं आँखों से, यदि हम गंदे दर्शन करेंगे
तो हम पूरे शरीर के सिटी को खराब कर रहे हैं, क्योंकि दरवाजा खराब कर रहे हैं, है ना, नाकों से, नाक से, वो ऐसे बेसिकली भक्ति ये समझता है कि जब वो ज्ञान इंद्रियों से या इन द्वारों से कुछ ऐसा करता है जो कि कृष्ण भावना मृत नहीं है, तो इस पूरी सिटी को गंदा कर देता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि द्वारों की जोड़ी एक स्थान पर स्थित है, मुंह शेषन यानी कि जनेन्द्रिय जो है गुदा भी अन्य द्वार है। तो ये हो गए आंखें, नथुने, कान, मुंह, शिश्न तथा गुदा। इन नौ द्वार वाले शरीर में स्थित रह होकर जीव भारियत भौतिक का जगत में कार्य करता है और रूप तथा स्वाद जैसे इंद्रिय भोग करता है, इंद्रिय विषयों का भोग करता है ना। तो ज्ञानेन्द्रियों से यानी कि त्वचा, जानते हैं त्वचा हो गए, जिससे आप इनपुट लेते हैं, आंखें हो गई, नाक हो गए, मुंह हो गए, यानी कि जिभ्या हो गई, कान हो गए, तो इनसे आप इनपुट लेते हैं। इसके अलावा हमारा ये शिशन है, गुदा है, इससे भी इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे द्वार हैं, तो इनको बड़ा ही साफ सुथरा रखने की आवश्यकता है, यानी कि स्वच्छ यानी कि कृष्ण भावना में रखने की आवश्यकता है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो पूरा शरीर गंदा हो जाएगा। कहते हैं ना गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, जितना जैसा डालोगे वैसे ही वो हो जाएगा। तो अपनी आध्यात्मिक स्थिति से अनवगत होते हुए रहते हुए जीव मन के द्वारा निर्देशित होकर इन नौ द्वारों से भौतिक वस्तुओं का भोग करने बाहर निकलता है। तो पुरंजन इन नौ द्वारों से निकलता था, यानी कि हम लोग इन नौ द्वारों को इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। इन भौतिक वस्तुओं के साथ अपने दीर्घ संपर्क के कारण वह अपने वास्तविक आध्यात्मिक कार्यों को भूल जाता है और इस तरह दिग्भ्रमित हो जाता है। अब वही दरवाजा कई चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है, वही दरवाजा किसी वैश्या के घर में जाने के लिए यूज़ हो सकता है, हाँ, और वही दरवाजा मंदिर में जाने के लिए यूज़ हो सकता है, निकल एंट्रेंस एंड एग्जिट वही है। तो इसलिए वो अपने आध्यात्मिक कार्यों को भूल जाता है और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों के लिए निकल पड़ता है और इस तरह दिग्भ्रमित हो जाता है। सारा संसार वैज्ञानिकों तथा विचारकों के नेतृत्व में दिग्भ्रमित हो रहा है, जिसे आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। इस प्रकार बद्ध जीव अधिकाधिक फंसता जाता है। उसके बाद बता रहे हैं कि दो आंखें, दो नथुने और मुंह, ये पांचों सामने स्थित हैं, है ना, सामने स्थित हैं। दाहिना कान दक्षिण द्वार पर है और बायां कान उत्तरी द्वार पर है। पश्चिम की ओर स्थित दो छिद्र या द्वार गुदा और शेषन कहलाते हैं। तो ये जब हम पुरंजन की नगरी को बता रहे थे तब बता रहे थे कि पांच द्वार सामने हैं, एक द्वार दाहिनी तरफ है, एक दक्षिणी तरफ है, इस तरह से एक दक्षिणी तरफ है, एक उत्तरी तरफ है, इस तरह से। तो ये पश्चिम की ओर स्थित दो छिद्र या द्वार गुदा है और शेषन है। तो बता रहे हैं समस्त दिशाओं में पूर्व दिशा बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए हम जब भी बोलते हैं कि हम किस को फेस कर रहे हैं, हम जनरली पूर्व दिशा को फेस करते हुए बताते हैं। इसलिए पूर्व दिशा को जब हम फेस करेंगे तो दाहिनी जगह कौन सी हो जाएगी, दक्षिणी हो जाएगी। तो इस प्रकार क्योंकि उधर सूर्य उदय होता है, इस प्रकार पूर्वी दिशा के द्वार आंखें, नाक, मुंह, शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण द्वार हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि खद्योत तथा अविर्मुखी नाम से जिन दो द्वारों का वर्णन किया गया है वो एक ही स्थान पर अगल बल स्थित हैं। वो कौन है, नौ दो नेत्र, एक ही स्थान पर दो द्वार हैं। विभ्राजित नामक नगरी को इसको रूप समझना चाहिए। इस प्रकार दोनों नेत्र विभिन्न प्रकार के रूपों को देखने में व्यस्त रहते हैं। अब यह हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार का रूप देखना चाहते हैं। जैसे कि पतंगा जो होता है, पतंगा एकदम से एक उजाले को देखता है, उसके प्रति आकर्षित होता है, उसको प्राप्त करने के लिए भागता है और जल के मर जाता है। उसी प्रकार से हम लोग कोई बहुत ही अट्रैक्टिव वस्तु देखते हैं, चाहे वो हमें गलत लगती है भौतिक आध्यात्मिक दृष्टि से, लेकिन उसकी अट्रैक्शन, एनी अट्रैक्शन कैन बी एनी थिंग, उसमें हम आकर्षित होकर उसको पाना चाहते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं और उसमें जल जाते हैं। तो ये बड़ा ख़तरनाक है। यही इसलिए कहा ये द्वार हमें लेके डूब सकते हैं और ये द्वार हमें भगवान के पास लेके जा सकते हैं। नलिनी तथा नालिनी नामक दोनों द्वार दो नासी छिद्र, नासा छिद्र हैं, नथुने हैं, और सौरभ नामक नगरी ही सुगंध है। तो अवधूत नामक मित्र घ्राणेन्द्रिया है। मुख्या नामक द्वार मुख है, मुख है, मुख्या ये द्वार का नाम था, ये मुख है, और विपण वाक शक्ति है, रसज्ञ ही स्वाद की इंद्रिय जीव है। तो ये सारी चीज़ें प्राचीन वर्षित को बताई गई थी। तो उसको बता रहे हैं कि क्या कौन से द्वार का नाम बता रहे हैं, द्वारों के नाम भी बता रहे हैं। अवधूत शब्द का अर्थ है सर्वथा मुक्त। अवधूत व्यक्ति कहते हैं ना, अवधूत, जैसे हम नित्यानंद प्रभु का अवधूत शिरोमणि कहते हैं। अवधूत मतलब हो गया मुक्त है, वो किसी चीज़ से आसक्त नहीं है, इसलिए
जरूरी नहीं है एक ही जगह पर रहे, वो कभी यहाँ होगा कभी वहाँ होगा, क्योंकि किसी एक चीज़ से आसक्त नहीं है वो। क्या कोशिश करता है कि चारों तरफ भगवान के नाम का प्रचार किया जाए। हाँ, और किसी स्थान से, किसी संपत्ति से, किसी परिवार से आसक्त नहीं होता, उसको हम अवधूत कहते हैं। अवधूत अवस्था प्राप्त कर लेने पर मनुष्य किसी प्रकार के यम नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, क्योंकि वो और कुछ कर ही नहीं रहा है, वो केवल यही कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अब वो कुछ भी कर सकता है, मतलब वो ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब यम नियमों की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, वह जिस तरह कार्य कर चाहे कर सकता है। वह अवधूत अवस्था वायु की भांति है जो किसी प्रकार के अवरोध के बिना बहती रहती है। लेकिन यही यहाँ पे बता रहे हैं कि चंचला ही मना कृष्णा, कैसे ये मन भी इसी प्रकार से बहता रहता है, बड़ा बलिष्ठ है, इसको वश में करना, वायु को वश में करने से भी मुश्किल है। और जिस प्रकार वायु को किसी रोक नहीं सकते, उसी प्रकार दोनों नथुने एक ही स्थान पर स्थित होकर बिना अवरोध के गंध का अनुभव करते रहते हैं। जीव के होने पर मुंह सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का निरंतर स्वाद लेता रहता है। तो हम ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से हम इन द्वारों को मिस यूटिलाइज करके इनको अशुद्ध करते हैं। इसलिए अंदर जो हवाएं आती हैं द्वार से, सब गंदी आती हैं, अंदर चारों तरफ गंदगी फैल जाती है। आपण नामक नगरी जीव के कार्य का सूचक है और बहुधन तरह तरह के व्यंजनों का सूचक है। दाया कान पितृहु द्वार है और बायां कान देवहु द्वार है। एक द्वार का नाम बताया था, तो नारद मुनि कह रहे हैं कि ये तुम्हारे ही द्वार हैं प्राचीन परिषद। ध्यान रखो, नगरी कौन सी है? तुम्हारा शरीर वो नगरी है। हाँ, और ये तो सारे द्वार हैं, ये तुम्हारे हैं। दक्षिण पांचाल कहीं जाने वाली नगरी सकाम कर्म भोग की विधि है, तो दक्षिण पांचाल वो जाता था उन द्वारों से निकल के। वो कह रहे हैं और कुछ नहीं है, वो सकाम कर्म में भोग की विधि अर्थात प्रवृत्ति मार्ग को बताने वाले शास्त्रों की सूचक है दक्षिण पांचाल। हाँ, जब भी कहीं पर भी हमें शास्त्रों को बताता है ना, अरे इसको करोगे ना तो घर में बच्चों की हेल्थ सही रहेगी, अरे इसको करोगे ना तो पति की हेल्थ सही रहेगी, अरे इसको करोगे ना तो ये सही रहेगा, उसको तो हम बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, उस तरफ जाने के लिए हम सभी हो जाते हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कि ये है दक्षिण पंचाल, यानी कि सकाम कर्म भोग की विधि। कि हम इस प्रकार से, ऐसा नहीं है कि ये कुछ अनैतिक काम करते हैं, जैसे कि संसार में लोग अनैतिक काम, तो अनैतिक काम करने वालों से तो बेटर हैं, लेकिन सही मायने में ज्ञानी नहीं है, मूर्ख हैं। कुछ पुण्य कर्म करके इन सब चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं, तो बता रहे हैं कि ये वो है उत्तर पंचाल नामक, क्योंकि प्राचीन परिषद इसी तरह के कामों में लगे थे, कई तरह के यज्ञ कराते थे ताकि ये सब कुछ सही चलता रहे। हाँ, तो यानी कि सकाम कर्मी थे। उत्तर पंचाल नामक अन्य नगरी निवृत्ति मार्ग है, सकाम कर्म को घटाने वाली है और ज्ञान को बढ़ाने वाला मार्ग है, बताने वाले शास्त्रों के लिए प्रयुक्त है। तो ये कौन सा रास्ता है बताएं? शास्त्र है। तो उत्तर पंचाल, दक्षिण पंचाल तो क्या था? सकाम कर्म का जा रास्ता था, और उत्तर पंचाल कौन सी जगह है? जहाँ पर शास्त्रों की बातों, शास्त्र की बात, शास्त्र बेसिकली जो शास्त्र हमारे अंदर से ये सकाम कर्म की इच्छाएं समाप्त करते हैं और ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे हम भक्तों के संग में आते हैं, भागवत इत्यादि सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे हमें बताया जाता है ये छोड़ दो प्रभु जी, ये वाला व्रत आप, ये सकाम कर्मी का व्रत है, आपके लिए ठीक नहीं है, ये वाला व्रत छोड़ दो। कई लोग तुरंत मान जाते हैं, कई लोग को थोड़ा समय लगता है, तो इस अकॉर्डिंगली हाँ, तो ये बता रहे हैं कि ये हमें ज्ञान को बढ़ाने वाला है। जीव को ज्ञान की प्राप्ति दो कानों द्वारा होती है, और कुछ लोग पितृलोक और देवलोक को जाते हैं, ये सब दोनों कानों द्वारा संभव है ना। कान से जैसा सुनोगे वैसी ही चेतना बन जाती है। कान से हम निरंतर अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने पितर की ग्लोरिफिकेशन सुनते रहेंगे तो पितृलोक ही चले जाएंगे, उन्हीं की पूजा पाठ में लग जाएंगे। और यदि इन कानों से निरंतर भगवान की कथाएं सुनते रहेंगे, ज्ञान सुनते रहेंगे, तो भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो कान जो है बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रभावी, हमें पूरे हमको प्रभावित कर देता है। इसलिए कान को कैसे लगाया जाए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कान को हमें कैसे लगाना है? भगवान की कथाएं सुनने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए, कुछ अच्छा सुनने के लिए। कोई निंदा कर रहा हो तो बिल्कुल कान को बंद कर लेना है, क्योंकि इस द्वार से, निंदा के माध्यम से आप अंदर गंदगी डाल रहे हैं किसी की, जब हम सुन रहे हैं इस तरह की चीज़ें। ग्रामक नामक पुरी जहाँ निचले आसुरी द्वार, अब निचले आसुरी द्वार, निचले द्वार आ गए। ग्रामक नामक पुरी, निचले आसुरी द्वार मतलब शिश्न जनेन्द्रिया तक से पहुँचा जाता है। जनेन्द्रियों से हम इस ग्रामक नामक पुरी में जाते हैं। स्त्री प्रसंग के लिए है और मूर्खों के लिए अत्यंत मोहक है। हाँ, ये जगह जो है बड़ी मोहक लगती है। किसके लिए? मूर्खों को ये जगह बड़ी मोहक लगती है। द्वार बड़ा अच्छा द्वार लगता है,
जनेंद्रिय, क्योंकि वो बस वहीं पे रहना चाहते हैं, दिन रात वही चर्चाएं, वही दृश्य। आजकल देख लेंगे बड़ा ही, है ना, खास तौर पे अब जो जनरेशन आ गई है, पहले की जनरेशन में तो नहीं था इतना, लेकिन अब की जनरेशन में दिन रात उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें दिन रात इसी तरह के जोक्स आते हैं, इसी तरह के फोटोग्राफ्स आती हैं। इतना भयंकर ये जो शत्रु है, ये जो असुर है, हमारे हाथों में आ गया है मोबाइल के माध्यम से, और हमारे हाथों में दिन रात अब गंदगी है। पहले तो थी नहीं, टीवी बहुत कम थे, कम चलता था, रेडियो ही था, फिर धीरे धीरे टीवी घर घर में आया। अब टीवी भी सबके सामने कैसे देखे आदमी, हाँ, तो रात को रुकेगा जब घर वाले सब सो जाएंगे तो कुछ देखेगा बुरा। अब तो कभी भी, इट्स सच अ, इट हैज़ बिकम सच अ प्राइवेट थिंग कि लोगों के मोबाइल पे ही सब कुछ आ गया है और मोबाइल से ही सब कुछ कर सकते हैं। और मतलब मैं एक मैसेज भी देना चाहता था कि मैंने देखा है कि घर के अंदर पति पत्नी के मोबाइलों में लॉक लगे हैं और पत्नी को नहीं पता है कि पति के मोबाइल में क्या लॉक है और पति को नहीं पता है कि पत्नी की मोबाइल में क्या लॉक है। बड़ी दयनीय स्थिति है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आज ही इसको बंद कर दीजिए, हाँ, बहुत ही गलत है। हाँ, इस तरह से हमें हमें अपने आप को ओपन रखना चाहिए ताकि हमें गलतियाँ करने पर डर लगे, ताकि कोई पार्टनर तो हमें बचाएगा, हमारा पार्टनर ही नहीं बचा पाएगा तो कौन बचाएगा। शादी का पर्पज़ यही है कि पत्नी को पति बचाए और पति को पत्नी बचाए नीचे गिरने से। यदि हम इस तरह की प्राइवेट प्राइवेसी रख लेंगे, हाँ, और अपने अपने फ़ोनों पे, अपनी ऐप्स पे, अपने फ़ोन पे, लोगों ने फ़ोन पे पासवर्ड, ऐप्स पे पासवर्ड, पत्नी को भी नहीं पता है ना, इट्स माई लाइफ, इट्स माई प्राइवेट थिंग, हाउ कैन यू डेयर यू रीड माई मैसेजेस एंड एनी थिंग, वाई कांट एनी बडी रीड योर मैसेजेस, वट इज़ देयर इन द योर मैसेजेस, वट इज़ देयर इन द पिक्चर्स। तो एक्चुअली में ये बहुत बड़ा असुर हमारे हाथ में आ गया है और इसने हमें समाप्त कर दिया है गंदी चीज़ों के माध्यम से, कुछ प्राइवेट डिस्कशंस के माध्यम से, जो कि सही नहीं है, जो हमारी चेतना को गिराने वाली है वास्तव में, और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो आसुरी लोग हैं वो इस द्वार को बड़ा, ये द्वार उनके लिए बड़ा मोहक मोहक द्वार है। जनेन्द्रियाँ दुर्मुद कहलाती हैं और गुदा नित्यति है। जब संसार का पतन होता है तो सभ्यता आसुरी हो जाती है और सामान्य लोग गुदा और शिक्षण को समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु मान लेते हैं। दे थिंक दिस इज लव, और लव का मतलब ही बदल जाता है, लव लस्ट को लोग लव कहने लगते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। शास्त्र बिल्कुल क्लियरली बताते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव। हम भगवान का ही प्रेम नहीं प्राप्त कर पाते पूरे ज़िंदगी में, उसमें हम इच्छाएं करते रहते हैं, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरी। हाँ, हम तो भगवान से भी शुद्ध प्रेम नहीं कर पाते हैं, संसार में कहाँ से कर लेंगे। तो लस्ट को लोग प्रेम मानने लगे हैं, लेकिन उनका सारा केंद्र बिंदु है दिस 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 एंजॉयमेंट, दिस स्पर्श का आनंद। हाँ, ये सब आनंद, यहाँ तक कि वृंदावन जैसे पवित्र स्थान में भी लोग गुदा तथा शिक्षण व्यापार को आध्यात्मिक कर्म मानते हैं। हाँ, इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया है, लोगों ने इस लाइफ को अध्यात्म से रिलेट कर दिया है। हाँ, कोई कोई लोग आपस में मिलते हैं, गले मिलते हैं, कुछ करते हैं तो एक अनुभूतियाँ होती हैं, स्पर्श की अनुभूतियाँ, भौतिक आनंद मिलता है। वो कहते हैं देखो देखो ये है स्पिरिचुअल आनंद की शुरुआत, मज़ा आया ना तुम्हें, बस ऐसे ही डूबते रहो, ऐसे ही राधा और कृष्ण डूबे रहते थे एक दूसरे में। हाँ, तो इसको लोग आध्यात्मिक कार्य मानने लगे हैं। ये लोग सहजियाँ हैं, उनकी विचारधारा के अनुसार संभोग क्रिया में रत रहकर लोग आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकते हैं। एनीथिंग जो आपको डुबो दे, बेहोश कर दे, संभोग एक है, नशा एक है, दैट इज, हाँ, ये है स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ तो टोटली तपस्या है। भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं तपस्या मेरा हृदय है, त्याग बलिदान शुद्धता तपस्या विचारों की कार्यों की, दिस इज वे, दिस इज द वे आप कृष्ण को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल गलत डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं। हाँ, किंतु श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों से प्रकट रहते हैं कि संभोग तुष्टि को निम्न लोगों के लिए है, ऐसे मूर्खों को रास्ते पर लाना कठिन है। इन श्लोकों में निम्न लोगों की काम वासना की भर्त्सना करी गई है। दुर्मुद शब्द का अर्थ को निर्देशित और नियंत्रित ती अर्थ का अर्थ पाप कर्म है। यदि भी इससे स्पष्ट है कि काम आसक्ति गर्हित और दुलक्षित है, फिर भी सहजिया अपने को आध्यात्मिक कर्मों में रत भक्त मानते हैं। लोगों को लगता है वी आर डिवोटीज, हम डिवोटीज हैं, हमें प्रेम है, ये सच्चा प्रेम है, आई वॉन्ट टू केयर फॉर यू। वो केयर से कहाँ हम पहुँच जाते हैं, ये बड़ा खतरनाक विषय, इसलिए प्रभुपाद इसके विषय में इतना लिखते हैं। तो फल तक कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति वृंदावन नहीं जाता, सहजी अपने को आध्यात्मिक कार्य में रत मानते हैं, फल तक कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति वृंदावन नहीं जाता क्योंकि वृंदावन में इस तरह का माहौल हो गया है। ये प्रभुपाद के वर्ड्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ। हाँ, क्यों ऐसा लिखा है,
फिर प्रभुपाद से कह रहे हैं कि फिर हमसे कोई पूछेगा कि आखिर हमने वृंदावन को अपना केंद्र क्यों बनाया। ऊपर से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन सहजिया लोगों के कार्यकलापों से वृंदावन पतित हो चुका है, और फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन ही ऐसा स्थान है जहाँ ये समस्त पापी पुरुष कुत्ते सुअर बंदरों का जन्म लेकर तरते हैं और अगले जन्म में सब आध्यात्मिक पद को प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब है कि वृंदावन जाना इज नॉट अ गारंटी, बल्कि कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे जाके आप आध्यात्मिकता आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाएंगे, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं। और प्रभुपाद ने तो ये बहुत जोर के देखे कहा है कि हमारे जो मंदिर हैं, जो हमारे सेंटर्स हैं, जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, उनके बीच में रहना ही वही वृंदावन है, क्योंकि वृंदावन में बहुत सारे समुदाय संप्रदाय के लोग रहते हैं और कई बार इस तरह के सहजिया वगैरह, और कई बार हम पद भ्रमित हो जाते हैं, और ऐसा देखा गया है कि इस्कॉन के अच्छे अच्छे डिवोटी भी पद भ्रमित हो गए बहुत सारे केसेस। इसलिए कैसे हम गुरु परंपरा से जुड़े रहें, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इम्पॉर्टेंट। तो प्रभुपाद बता रहे इस तरीके से ये जो है सहजिया और इस तरह से हमारे अंदर पैदा होता है, और निचले टेस्ट में हम गिरते चले। देखिए नेचुरली हम लोग सभी इन निचले द्वारों से, इस अट्रैक्शन से ग्रसित हैं, हम सभी तभी संसार में है। अब दिक्कत क्या है, किसी तरह हम अपने आप को पवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं, इन चीज़ों से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, जरा सी भी हमने ढील दी अगर इन चीज़ों में तो हम वहीं पर चले जाते हैं, बिकॉज दिस इज आवर नेचुरल डिज़ायर, नेचुरल इन द सेंस हैबिचुअल डिज़ायर। हाँ, इसलिए बड़ा ही सख्त होने की आवश्यकता है, गलती से भी नीचे की तरफ गए तो फिसल गए। जब ये कहा जाता है कि पुरंजन वैश्यस जाता है तो उसका अर्थ है कि वो नरक में जाता है और उसके साथ लुब्धक रहता है जो गुदा नामक कर्म इंद्रिया है। इसके पूर्व मैंने दो अंधे साथियों का भी उल्लेख किया था, ये प्राचीन परिषद याद है तुम्हें, मैंने दो अंधे साथियों का बताया था। ये अंधे साथी कौन है, हाथ तथा पांव। ये हाथ और पांव सारे काम करते हैं लेकिन इनको मालूम कुछ नहीं है कि करना क्या है, इनको बताना पड़ता है कि ये करो, है ना। क्या हाथ देख सकता है, पैर देख सकता है, देख नहीं पाता है, चल रहा है, चलने का इंपॉर्टेंट काम कर रहा है लेकिन कहीं अंधेरा हो गया तो गड्ढे में जा रहा है या रास्ते में चल रहा है, कुछ नहीं पता। तो अंधे साथी हैं, इन्हें हाथ और पांव समझना चाहिए। जीव जो है हाथ और पांव की सहायता से सभी प्रकार के कार्य करता है, इधर उधर जाता है। फिर बता रहे अंतःपुर हृदय का सूचक है, विशुचिन्ह सर्वत्र जाते हुए मन को बताने वाला है। जीव जो है मन के भीतर प्रकृति के गुणों का भोग करता है, ये सारे प्रभाव कभी मोह उत्पन्न करते हैं, कभी संतोष, कभी हर्ष और कभी दुख भी करते हैं। तो जीव क्या करता है, मन के भीतर प्रकृति के गुणों का भोग करता है। हाँ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में कुछ कुछ भोग करने का प्रयास करता है, मन अलग अलग इच्छाएं पैदा करता है, कौन से गुण में होता है वैसी इच्छा पैदा कर देता है। कभी आपने देखा होगा कि बड़े दुष्ट लोग भी इंद्रिय तृप्ति वालों के चलो चलो वृंदावन चलते हैं। हाँ, अब ये शुद्ध सतोगुण नहीं है लेकिन थोड़ा सा सतोगुण आया तो वहाँ जाके फिर से मिश्रण हो जाता है तमो का रजो का, और वहाँ जाके फिर कुछ कुछ खाना पीना आया इंजॉय करने लगते हैं, पिकनिक बना लेते हैं। तो हल्का फुल्का जैसा, यानी कि जैसा गुण ने बोला वैसे ही कर दो, कुछ नहीं देखते कि सही क्या है गलत क्या है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, गुरु का आदेश क्या है, मुझे अब क्या करना है, अब क्या नहीं करना है, इस चीज़ का मन कर रहा है, इस चीज़ का मन नहीं कर रहा है, लेकिन बताया क्या गया है, तो मन के अनुसार चलते हैं, तीनों गुणों का भोग करते हैं। इसमें उन्हें कभी तो आनंद आता है और कभी दुख भी होता है, क्योंकि हम भगवान नहीं है कि हम इच्छा करें और सब पूर्ति हो जाए, हम इतने शुद्ध भी नहीं हैं, तो कभी हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, कभी सामने वाला हमारे हिसाब से जीता है, कभी सामने वाला हमारे हिसाब से नहीं जीता है, तो कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है। तो ये इस चक्कर में आदमी सारा समय बर्बाद करता है जीवन का, वो कहता है मेरे जीवन में बहुत सारी टेंशन है प्रभु जी, आपको क्या मालूम मैं कैसे कर पाऊँगी। वो अपने असली कर्तव्य को भूल जाता है, एक्चुअली में टेंशन इसलिए है क्योंकि आप इस संसार में हैं, जब तक यहाँ रहेंगे तब तक ये रहेगा ही, इसलिए कैसी भी स्थिति में भक्ति नहीं छोड़ी जा सकती। इस संसार में जीव का मन और बुद्धि प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित है और इन गुणों की संगति के अनुसार मन इधर उधर जाने का आदि हो जाता है। जैसा जैसा गुण कहते हैं वैसा वैसा मन कर देता है, और जैसा जैसा मन कहता है ये अंधे साथी हाथ पैर और बाकी इंद्रियाँ उसके पीछे पीछे लग जाती हैं। उसी के अनुसार हृदय संतोष हर्ष मोह का अनुभव करता है। वास्तव में जीव निष्क्रिय रहता है, प्रकृति के गुण ही मन तथा हृदय पर कार्य करते हैं। तो प्रकृति के गुण मन को प्रभावित करते हैं और मन इंद्रियों को। हाँ, तो फिर कैसे बचा जाए, तो यानी कि ऐसी जगह में रहा जाए जहाँ प्रकृति के गुण हमें प्रभावित ना करें, क्योंकि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। मन नियंत्रण में आ रहा है प्रकृति के गुणों से
लेकिन जब हम भक्तों के बीच में रहते हैं, जहाँ शास्त्रों के अनुसार जीवन जिया जाता है, वहाँ मन इन चीज़ों से प्रभावित ना होकर शास्त्रों अनुसार गुरु अनुसार चलता है, और वहाँ उनके साथ रहने से हमारे को भी ज़बरदस्ती वही काम करने पड़ते हैं। इस तरह से मन धीरे 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 कंट्रोल में आ जाता है। पहले यह बताया जा चुका है कि रानी ही मनुष्य की बुद्धि है। सोते समय जागते समय बुद्धि विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न करती है। दूषित बुद्धि के कारण जीव कुछ सोचता है और अपनी बुद्धि के कार्य कारणों का केवल अनुकरण करता है, है ना। कई व्यक्ति स्त्री अनुगामी होते हैं, जैसा जैसा पत्नी जी बोलेंगी वैसा वैसा मैं ही करूँगा। क्यों? नहीं तो पत्नी दुलत्ती मारेगी उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं में। और इसलिए इतना बलशाली व्यक्ति भी एक स्त्री से हार जाता है, क्योंकि उसको उससे भोगना होता है, राइट। तो इसलिए जैसी जैसी रानी कहती है, अब कई केसेस में रानी भक्ति के मार्ग में भी ली जाती है, ऐसा भी है देखा गया। हाँ, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया कि रानी के हृदय में कुछ कुछ इच्छाएं हैं, वो जैसी जैसी इच्छाएं करेगी वैसी वैसी राजा उसकी पूर्ति करने का प्रयास करेगा। तो ये रानी हमारी बुद्धि है। हाँ, तो बुद्धि भी करप्ट है बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बुद्धि इज अ पॉजिटिव वर्ड। इट्स अ पावर टू थिंक, पावर टू एनालाइज, पावर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन समथिंग एंड समथिंग। हाँ, बट ये बुद्धि ही करप्ट है, क्योंकि ये शास्त्रों द्वारा शुद्ध नहीं हुई है। इसलिए ये क्या करती है, बड़ी इंटेलिजेंट है, इसके अंदर पावर है सोचने समझने की, तो ये मन की इच्छाओं को बड़ी इस तरीके से पूरा करती है। आप देखते हैं कितने प्रोडक्ट्स बन गए हैं, मार्केट में जाओ तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लोगों ने बना दिए हैं, आप सोच नहीं सकते। आप सोचेंगे काश ऐसा हो, तो जाएंगे तो पता लगेगा ऐसा प्रोडक्ट है। अब कहीं काश ऐसा हो जाए तो ऐसा प्रोडक्ट है। यानी कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने अपनी बुद्धि को पूरा लगा दिया है, और इस तरह से करप्ट बुद्धि जो जो बोल रही है वो करते जा रहे हैं। अब मन तो करप्ट था ही, बुद्धि भी करप्ट अगर हो गई तो जीव मनुष्य का सत्यानाश बिल्कुल निश्चित है, और यही हो गया है। लेकिन मन तो हम सबका करप्ट है ही, क्योंकि हम संसार में हैं माने एक इच्छाओं को लेकर। अब इन संसार में हमारी बुद्धि भी करप्ट हो गई है, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, या शास्त्रों को पढ़ाया भी जा रहा है तो शास्त्रों को कार्यान्वित होकर नहीं दिखाया जा रहा है। कुछ कुछ स्कूलों में कॉलेजेस में कुछ कुछ ग्रंथ लिए जा रहे हैं, भगवद्गीता इत्यादि, बट उनको पढ़ाने वाला कौन है हम नहीं जानते, है ना। उसी भगवद्गीता को कितने तरीके से पढ़ाया जा सकता है, उनको आचरण में दिखाने वाला कोई नहीं है। इसलिए मन तो करप्ट था ही, संसार की बुद्धि भी करप्ट हो गई है आजकल की एजुकेशन सिस्टम से। अब बताइए फिर बचा ही क्या। ये जो इंद्रियां हैं ये तो जड़ हैं, है ना, इंद्रियां जड़ हैं वास्तव में। मन और बुद्धि चले गए तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती, वो तो वही करेंगी जो ये लोग कहेंगे। तो यह बता रहे हैं इसको कि बुद्धि इस प्रकार से दूषित हो गई है। नारद मुनि ने कहा, जिसे मैंने रथ कहा था, रथ वो वास्तव में शरीर है, इंद्रियां ही वो घोड़े हैं जो रथ को खींचते हैं। लेकिन घोड़े क्या करते हैं बेचारे, हाँ, घोड़े एक तो लगाम से बंधे हैं और उसको खींचने वाले से बंधे हैं, तो खींचने वाली बुद्धि है, लगाम मन है। बस घोड़े तो जहाँ जैसे खींच देंगे कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा ही करेंगे तो खींच देगा वो उनको, फिर नाक में दर्द होगा घोड़े की, कुछ कर नहीं पाएगा। जो जो वर्षानुवर्ष समय बीतता जाता है, घोड़े बिना अवरोध के दौड़ते हैं किंतु प्रगति नहीं कर पाते। पाप तथा पुण्य इस रथ के दो पहिए हैं, प्रकृति के तीनों गुण इस रथ की ध्वजाएँ हैं। पांच प्रकार के प्राणों से जीव के बंधन की सृष्टि होती है और मन ही रस्सी है। बुद्धि इस रस्सी रथ का सारथी है, हृदय रथ में बैठने का स्थान है, और हर्ष तथा पीड़ा द्वंद जुए हैं। सातों तत्व धातुएं इस रथ के आवरण हैं, पांचों कर्मेंद्रियां उसकी पर पांच प्रकार की बाह्य गतियां हैं, और 11 इंद्रियां सैनिक हैं। इंद्रिय सुख में मग्न रहने के कारण रथ पर आसीन जीव झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इतराता है और जन्म जन्मांतर तक इंद्रिय सुख के पीछे दौड़ता रहता है, इस रथ को दौड़ाता रहता है। यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, नहीं नहीं बेकार है, भोग त्याग, भोग त्याग, यहाँ मिलेगा कुछ मजा आएगा, नहीं नहीं बेकार है, अच्छा शायद यहाँ मिल जाए, बेकार है। ऐसे ही अलग अलग जीवन समय वर्ष बीतते चले जाते हैं और इन्हीं में उलझा रहता है। और इस प्रकार से बता रहे हैं कि दो पहिए हमने सुना, पाप और पुण्य, और जीव अपने पाप और पुण्यों के अनुसार विशेष शरीर प्राप्त करता है। यानी कि जब भी रथ दौड़ता है तो पाप और पुण्य पे टिका रहता है, और हमारा जीवन में भी जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार, कुछ पापों का फल मिल रहा है, कुछ पुण्य का फल मिल रहा है, और हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं।
संसार में सबसे ऊंचे लोक से लेकर निम्न लोक तक सभी दुख के स्थान हैं वास्तव में, जहाँ बारंबार जन्म है, बारंबार मृत्यु है। यानी कि कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हम सुखी रह सके वास्तव में। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को आ जाता है वो फिर से जन्म नहीं लेता, उसको ये दुख नहीं होते। यदि कोई ब्रह्मलोक को, जो ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, वो भी चला जाता है तो भी उसे पुनः इन नीचे के लोकों में उतरना पड़ सकता है। इस प्रकार में प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर निरंतर ऊपर नीचे चलता रहता है, किंतु वो सोचता है कि उसकी प्रगति हो रही है। जैसे आप लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट में आप 14वीं मंजिल में गए, उसके बाद फिर नीचे आ गए, बच्चे करते हैं ना कई बार, बहुत देर तक वो लिफ्ट में ऊपर नीचे, लेकिन वो उसी जगह में है, उस छोटी सी जगह में ही है, कोई प्रगति नहीं है वास्तव में। तो वह उस वायुयान के समान है जो अरनीज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने के कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से बाहर निकल पा रहा है ना। एरोप्लेन निकल नहीं पाते ना, एक लेवल तक ही जा सकते हैं, उसके ऊपर निकल नहीं पाते हैं। वास्तव में वायुमान कोई प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है और हमें ऐसा लगता है कि वो चला गया, कहीं पहुंच गया। तो जिस प्रकार राजा रथ पर आरूढ़ है, उसी तरह जीवात्मा शरीर पर है, उसके बैठने का स्थान हृदय है, जहाँ जीवन संघर्ष में जुट जाता है। संघर्ष के बिना किसी प्रगति के, निरंतर चलता रहता है। बड़ा मजा आता है लोगों को आजकल, इस तरह से चलते रहा जाए, यहाँ जाए जाए, वहाँ जाए जाए, लेकिन हम कहीं जा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। देयर इज़ नो प्रोग्रेस एक्चुअली। हम सोच रहे हैं कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है। नाउ वी आर इन 5th स्टैंडर्ड, नाउ वी आर इन 12th स्टैंडर्ड, नाउ वी आर ग्रेजुएटेड, नाउ वी आर पोस्ट ग्रेजुएटेड, नाउ वी आर डॉक्टरेट, नाउ वी आर फादर ऑफ अ सन और डॉटर, नाउ वी आर ओनर ऑफ अ हाउस एंड, है ना, हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। बल वास्तव में ये एक मूवी की तरह है जो हमारे आगे से ऐसे घूम रही है और हमें लग रहा है कि हम मूवी के करेक्टर हैं। वास्तव में हम एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं और सामने मूवी चल रही है, देयर इज़ नो चेंज। उसी तरह से ये जो उपलब्धियाँ हैं, दिस इज नॉट अ प्रोग्रेस, बता रहे हैं ये कोई प्रोग्रेस नहीं है, शून्य प्रोग्रेस है ये। कर्मकांड और ज्ञान कांड के प्रभाव में आकर जीव अत्याधिक संघर्ष करता है और एक के बाद एक नाना जीवनों में शरीर प्राप्त करता है, सुख भोगना चाहता है। इस प्रकार यहाँ पर मृग तृष्णम प्रधावती पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीव इंद्रिय सुख की प्यास से प्रभावित होता है, उस मृग की तुल्य है जो मरुस्थल में पानी की खोज कर रहा है। तो बता रहे हैं जैसे मृग को मरुस्थल में पानी नहीं मिल सकता, वैसे हमें भी संसार में सुख नहीं मिल सकता, लेकिन जैसे मृग पानी ढूंढते ढूंढते भागता है और अंत में मर जाता है, उसी तरह हम भी सुख ढूंढने के लिए भागते हैं अंत में मर जाता है। अब आते हैं आगे, चंड वेग। आपने सुना था चंड वेग काल आया था, तो जिसे चंड वेग अर्थात शक्तिशाली काल कहा गया था, वह दिन और रात है। इतना शक्तिशाली है, हमारे रोकने से रुकता नहीं है, है कि नहीं? कैसे सवेरे से एकदम से शाम हो जाती है, हाँ थोड़ी देर में शाम हो जाती है और थोड़ी देर में बूढ़े हो रहे हैं, हमें पता नहीं है। अपनी फोटो देखिए, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, आपको समझ में आएगा हाँ मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, बिल्कुल बूढ़ा हो रहा हूँ। हाँ, तो ये काल जो है ये हमें खा रहा है धीरे धीरे, एक एक दिन करके खा रहा है, एक एक दिन करके। एंड वी आर, हम बड़े आनंद में, हम उसमें भी इन्जॉयमेंट करते हैं। हम कहते हैं देखो जी, ये देखिए जी, एक जवानी में एक अलग प्रकार का रूप था, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन थर्टीज़ में थोड़ा सा, थर्टीज़ में क्या होता है शरीर में, 30 से 40 में शरीर के गाल वाल भर जाते हैं, और 20 से 30 में गाल वाल थोड़े पिचके होते हैं, लेकिन वो अलग रूप माधुरी होती है, फ्रेशनेस होती है उसमें। 30 से 40 में आदमी के गाल वाल भर जाते हैं, चेहरा शरीर थोड़ा गोल मटोल सा जाता है, तो आदमी लगता है देखो जी, कही गए ना कि ये फिल्मी एक्टर देखो जी कितना सुंदर हो गया, तो शरीर लगता है और सुंदर हो गया। 40 से 50 में हमें लगता है देखिए जी ये भी सुंदरता है, देखिए हल्के हल्के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इट्स अ ब्लैक एंड वाइट, सॉल्ट क्या कहते हैं, सॉल्ट एंड पेपर, ये इट्स अ हेयर स्टाइल, ये कितना अच्छा लग रहा है, और ये भी एक प्रकार का, हाँ देखिए शरीर, तो आदमी उसको इंजॉय कर रहा होता है जो कि वो एक्चुअली खाया जा रहा है ना, धीरे धीरे वो खाया जा रहा है और उसको इंजॉय कर रहा है। पहले दांत चलो टेढ़े मेढ़े थे, अब बुढ़ापे में दांत धीरे धीरे टूट गए, तो नए मोतियों जैसे दांत लगा लिए, बताइए, पूरा जीवन जो दांत अच्छे नहीं दिखे थे, अब बुढ़ापे में इतने बढ़िया दांत हो गए, क्योंकि नकली दांत एकदम लाइन पे फर्स्ट क्लास, अब बुढ़ापे में आदमी ऐसे करके हंस रहा है ना, देखिए जी क्या मज़ा आ रहा है जीवन जीने का। तो कहने का मतलब है कि आदमी एक्चुअली में मर रहा है, दिन रात काल उसको खा रहा है, लेकिन वो उसको भी कुछ अचीवमेंट समझ रहा है, और वो देखता है कि मैंने क्या क्या, मेरे कौन कौन से मेडल लग गए यहाँ पर, बहुत सारे मेडल लगते रहते हैं ना हमारे,
मैंने इस परिवार को चलाया इतने समय तक, मैंने इस कंपनी को चलाया, या मैं इस पोजीशन पे आ गया, मैंने बिजनेस को यहाँ पहुँचा दिया, बहुत सारी चीज़ें। तो आदमी को लगता है वो ग्रो कर रहा है, जबकि वो ग्रो नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली में ग्रो कर रहा है, मतलब कि वो बूढ़ा हो रहा है। तो जिनके नाम तो बता रहे हैं कि ये जो चंडवेग है, ये काल है और दिन रात से बना है। दिन रात का नाम है गंधर्व और गंधर्वी। शरीर की आयु दिन और रात के बीतने से क्रमशः घटती जाती है। दिन और रात ये कितने, 360, हाँ, जीव अपने रथ पर वर्ष में 360 दिन तक भ्रमण करता रहता है, और इन 360 दिन रात तथा रात को पूरा करने के लिए किए गए वृथाश्रम को जीवन की प्रगति मान लेता है। जैसे काल कन्या कहते हैं, जैसे होता है ना कि हम साल बीतता है तो कहते इस साल में क्या क्या बढ़िया हुआ, तो हम कंपनियों में उसमें देखते हैं, हमारी टर्नओवर इतनी हो गई, देखिए जी हमने ये अचीव किया, हमने नए घर में एंट्री करी, हमने नई कार ली, इस तरह से आदमी सोचता है। जैसे काल कन्या कहा गया, आपने याद है ना काल कन्या आई थी, काल कन्या क्या है, ये वृद्धावस्था है, जरा वृद्धावस्था। तो जैसे दिन रात बीतते हैं चंडवेग के द्वारा, तो धीरे धीरे काल कन्या सामने पास आती चली जाती है। रोक नहीं सकते हैं इस काल कन्या को, है ना, इस काल कन्या से कोई शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करें, ये काल कन्या धमक के आ जाती है। हाँ, कोई भी वृद्धावस्था स्वीकार नहीं करता, किंतु यवनराज जो मृत्यु है, इस जरा को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और ये अपने भाई के साथ मिलकर आतंक मचा देती है, ज़बरदस्त आतंक मचा देती है। हाँ, कोई इसको चाहता नहीं है, नोबडी वॉन्ट्स इट, बट ये आ ही जाती है, ये वृद्धावस्था आ ही जाती है। लेकिन जो जवान है वो सोचते हैं मैं बूढ़ा थोड़ी हूँ, तुम तो बूढ़े हो गए, पगलिया गए हो, अब तुम्हारा तो गीता पढ़ने का ही काम है, जप करना ही काम है, अभी तो मैं जवान हूँ, यू आर ओल्ड। लेकिन ओल्ड भी कह रहा होता है, चल बूढ़ा होगा तेरा बाप, मैं भी तेरा बाप हूँ लेकिन मैं भी जवान हूँ। हाँ, तो वो कुछ ऐसा दिखाने के लिए कुछ ऐसी छोटी छोटी टी शर्ट पहन लेते हैं बूढ़े लोग भी, लगता है यस, ये देखिए जी टी शर्ट पहनी हुई है, पैंट पहनी हुई है, बेल्ट पहनी हुई है, बाल काले कर लिए सारे, एकदम से शरीर में कुछ बढ़िया बढ़िया कर लिया है, तो अभी तो मैं जवान हूँ। देखो तो बच्चा भी समझ रहा है वो जवान है, बूढ़ा भी समझ रहा है जवान है, जबकि दोनों ही जवान नहीं है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ना तो बच्चे के जीवन का, ना बड़े के जीवन का। तो शरीर के भीतर बंदी जीव काल कन्या अर्थात वृद्धावस्था को मृत्यु के तुरंत पहले स्वीकार करता है, और यमनराज मृत्यु अर्थात यमराज का प्रतीक है। यमराज के पास जाने के पूर्व जीवात्मा जरा वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, जो यमनराज की बहन है, और अपवित्र कार्यों के फलस्वरूप मनुष्य यमनराज तथा उसकी बहन के वश में आ जाता है। जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, नारद मुनि द्वारा बताई गई भक्ति में लगे रहते हैं, वे यवनराज उसकी बहन से प्रभावित नहीं होते। क्या मतलब, बूढ़े नहीं होते क्या? नहीं, यानी कि उनके कार्य नहीं उगते हैं। हमने देखा भक्तों के जीवन में कितने भी कष्ट आ गए बुढ़ापे के, लेकिन उनकी उनका भक्ति, उनका वर्शिप, उनका माला, उनकी सेवाएं खत्म नहीं हो रही हैं। आदमी रिटायर हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन भक्त लोग तो कभी रिटायर होते ही नहीं है, वो हमेशा भक्ति के कार्यों में लगे ही रहते हैं। इस प्रकार उन्हें ये बुढ़ापा नहीं असर दिखा पाता है, क्योंकि वो भगवान की शरण में लगे हैं। तो हम भी अगर बूढ़े नहीं होना चाहते हैं, मतलब प्रभाव बता रहे हैं, तो हम भी यदि इस प्रकार के डिप्रेशन के शिकार नहीं होना चाहते हैं, तो जल्दी से भक्ति और भक्ति की सेवाओं में लगें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।